नमस्कार दोस्तों, रेल इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत बड़ी भर्ती अपडेट लेकर के अपडेट यह है कि डाक विभाग के अंदर ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर कुल 38,926 पदों पर जो है बड़ी भर्ती निकली है। तो आइए जानते हैं क्या आपको डिटेल। तो दोस्तों, ये डिटेल में दे रखा है, स्टेट वाइज दे रखी है कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं। तो इस टोटल जो है इसमें जो है 38,926 वैकेंसी हैं। और बात करते हैं नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इंगेजमेंट ऑफ 38,926 ग्रामीण डाक सेवक GDS बोलते हैं एज BPM और ABPM और डाक सेवक। एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन ATF जो है साइट दे रखी है https://indiapost.gds.online.go.in ये साइट दे रखी है। इस पर आप क्लिक करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपना फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू एनी अदर मोड नॉट बी कंसिडर्ड एंड रिजेक्टेड। एप्लीकेशन फॉर्म जो है अन्य किसी भी प्रकार से जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डिटेल्स ऑफ द वैकेंट पोस्ट फॉर विच एप्लीकेशंस आर कॉल्ड फॉर आर गिवन इन Annex 01। ठीक है, तो इसमें देखा एंगेजमेंट शेड्यूल इज एज अंडर। एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट डेट है 2 मई 2022। एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट करने की डेट स्टार्ट होगा फिलअप होना वो जो है 2 मई 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। आज 2 मई है तो आज जो है फॉर्म स्टार्ट हो गया है। एप्लीकेशन सबमिशन एंड डेट, एप्लीकेशन फॉर्म जो है जमा कराने की आखिरी तारीख जो है 5 जून 2022 होगी। थर्ड पॉइंट दे रखा है इमुलेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस TRCA इज पेड टू GDS। द फॉलोइंग मिनिमम TRCA शैल बी पेएबल टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ GDS आफ्टर इंगेजमेंट। BPM कैटेगरी वाले को जो है 12,000 रुपये मिलेंगे मिनिमम TRCA फॉर 4 आवर्स, कम से कम 4 आवर का TRCA। ठीक है, Level 1 in TRCA slab। फिर जो ABPM या डाक सेवक है उसको जो 10,000 रुपये मिलेंगे। और उसके बाद जो है अब मैं आपको दिखाता हूँ एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता। इसमें जो है एज मिनिमम जो है 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। बाकी जो है जो अदर कैटेगरीज हैं रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको जो है नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। कैसे कैसे छूट होगी, जो SC कास्ट है ST कास्ट है ठीक है उनको जो 5 साल की उम्र में छूट मिलेगी। अदर बैकवर्ड क्लासेस है OBC बोलते जैसे 3 साल की छूट मिलेगी। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS इसको कोई छूट नहीं मिलेगी उम्र में। पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD इसको तो 10 साल की उम्र में छूट मिलेगी। पर्सन विद डिसेबिलिटीज PWD प्लस OBC इसको 13 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज PWD प्लस SC ST इसको तो 15 साल की आयु में छूट मिलेगी। फिर उसके बाद बताता हूँ, अगर मैं पूरी डिटेल से बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जो आपको मोटी मोटी जानकारी हासिल करा रहा हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है उस पर ज़रूर देखना प्रॉपर वेबसाइट पर। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखिए, इसमें सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश हैविंग बीन स्टूडेड एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट कंडक्टेड बाय एन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया शैल बी ए मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरीज ऑफ GDS। इसमें जो है 10वीं पास होनी चाहिए मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट से, चाहे कंपलसरी से हो चाहे इलेक्टिव सब्जेक्ट से हो। ठीक है, उसके बाद कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज की जो कंपलसरी नॉलेज होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव स्टूडेड द लोकल लैंग्वेज नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल जो है उसको चलाना आना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग इज ए प्री रिक्विजाइट कंडीशन फॉर ऑल GDS पोस्ट इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ रीडिंग ए स्कूटर और मोटर साइकिल दैट मे बी कंसिडर्ड एज नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। ऑल्सो कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट ए डिक्लेरेशन टू इफेक्ट इन Annex 3। ठीक है, एडिक्वेट अल्टरनेट मीन्स ऑफ लेवलीहुड। ठीक है, उसके बाद अब मैं मोटी मोटी आगे बताऊंगा आपको डिटेल।
इसमें देखे है, आपको दिखाता हूँ मैं, आगे भी दिखाऊंगा, ये प्रॉपर वेबसाइट आएगी इसकी। और अब इसकी बात करते हैं फॉर्म अप्लाई करने की फ़ीस, तो फीस इसमें जो है 100 रुपीज़, यानी 100 रुपये जो है जनरल कैटेगरी के लिए, और अदर कैटेगरी के लिए जो है इसमें 100 रुपये जनरल कैटेगरी के लगेगी फीस। ए फीस ऑफ 100 रुपीज़ इज टू बी पेड बाई द अप्लीकेंट्स फॉर ऑल पोस्ट नोटिफाइड इन दी चूजन डिवीजन। हाउ योर पेमेंट ऑफ फीस इज एक्सटेम्प्टेड फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, एस सी एस टी कैंडिडेट, पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स एंड ट्रांसफॉर्म कैंडिडेट। इनको जो इनकी जो फीस लगेगी, सभी जो फीमेल कैंडिडेट, एस सी एस टी कैंडिडेट और पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स और ट्रांसवोमैन कैंडिडेट, इनकी जो है कोई फीस नहीं लगेगी, बाकी की जो 100 रुपये फीस लगेगी। और अब अप्लाई कैसे करना जो है, ये प्रॉपर वेबसाइट है, इस प्रॉपर वेबसाइट पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है, और उसमें जो है अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल, कम्युनिटी पी डब्ल्यू डी टाइप, डिसेबिलिटी, स्टेट इन विच 10th क्लास पास्ट, लैंग्वेज स्टूडेंट इन 10th क्लास, ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास, स्कैंड पास्ट पोर्ट साइज फोटोग्राफ और स्कैंड सिग्नेचर। ठीक है, ये सारे स्कैन करके क्या करना है, ओनली वन रजिस्ट्रेशन इज अलाउड फॉर वन कैंडिडेट, एक कैंडिडेट के लिए एक रजिस्ट्रेशन जो अलाउड होगा फॉर शेड्यूल वन एंड टू इन ए कैलेंडर ईयर। द सेम रजिस्ट्रेशन नंबर शुड बी यूज्ड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, वंस रजिस्टर्ड द सेम मोबाइल नंबर विल नॉट बी अलाउड फॉर द फर्दर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी अदर कैंडिडेट। ठीक है, इन एनी केस डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन इज फाउंड बाय द अल्टरिंग द बेसिक डिटेल्स द कैंडिडेट्स रिलेटिंग टू सच ऑल रजिस्ट्रेशन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ सिलेक्शन। एनी कैंडिडेट हु हैव फॉरगेट द रजिस्ट्रेशन नंबर कैन रिस्ट्रीव द रजिस्ट्रेशन नंबर थ्रो ऑप्शन फॉरगेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये इसमें जो है मोटी मोटी डिटेल आ गई है फॉर्म में, और ज़्यादा जानकारी आपने लेनी है तो आप विभाग की प्रॉपर वेबसाइट पर जाकर के जो है चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ज़्यादा जानकारी आप बने रहिए हमारे चैनल साथ, देखते रहिए रियल इंडिया, आपका अपना चैनल। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर, साथ ही जो है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ।